आगरा से आई निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व मंत्री चौधरी बसीर ने लेवा कॉलोनी में आज दौरा करते हुए वहां के कई क्षेत्रों में जाकर जनता से उन्हें जिताने की अपील की। साथ ही इस दौरान आयोजित वार्ता में उन्होंने मीडिया को बिना किसी का नाम लिए बताया कि आज आप गुंडागर्दी के दम पर विभिन्न टोल व सड़कों पर लगे मेरे होर्डिंग फटवा रहे हैं। इससे पता चलता है कि मुझे लेकर कितने हताशा और परेशान है। जनता समझ सकती है कि चुनाव लड़ना मेरा अधिकार है। अब वक्त आ गया है 2014 में मशीनरी का दुरुपयोग कर जो 23 दिन के लिए मुझे जेल भेजा था उसका हिसाब चुकता करने का। अब उनका भतीजा मुख्यमंत्री नहीं है। जनता से अपील है कि बिना डरे बिना रुके वह यह चुनाव लड़ेंगे। जनता से सहयोग की अपील की गई है। फिरोजाबाद से अमित पासा की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। भाई भाई एक मिनट आइए, बस आएंगे भाई। हाँ मोबाइल फोटो मैं लगभग आधा चुनाव फाइट कर चुका था, लेकिन रामगोपाल जी ने मानसिक उत्पीड़न करके मेरा यहाँ से जो फर्जी मुकदमे हम पर लगाए अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए, क्योंकि उनके बेटे की ओपनिंग थी, वो नहीं चाहते थे उनके बेटे की ओपनिंग खराब हो, तो उन्होंने 23 दिन फर्जी मुकदमा में मुझे जेल भेजा। आज फिर मैं निर्दलीय के तौर पर फिरोजाबाद की जनता के बीच में आया हूँ और मैं सर्व समाज से अपील करता हूँ कि चौधरी बशीर को किसी जाति किसी बंधन में बांध कर मत देखिए। जो एक छत्र राज सैफई परिवार का यहाँ चल रहा है उसको ख़त्म कीजिए और एक मौका चौधरी बशीर को निर्दल चुनाव जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजिए। मैं आपको खुद एहसास करा दूंगा, मेरा जो रिपोर्ट कार्ड आप लोग 5 साल में तैयार करेंगे आपको एहसास होगा कि हमारा ये सेवक सच्चा सेवक साबित हुआ। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन में मेरे शहर पूरे फिरोजाबाद लोकसभा के अंदर जितने होर्डिंग पोस्टर लगे हैं, राम गोपाल जी इतने हताश इतने निराश इतने परेशान हैं कि 10-10 लड़कों की टीमें गठित कर मेरे पूरे शहर से होर्डिंग फटवाने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोगों का अधिकार छीन रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। आप लगाइए, अगर मैंने 10 होर्डिंग लगाए तो आप 20 लगाइए, लेकिन ये बहुत गलत बात है, इंसानियत के खिलाफ है कि आप मेरे होर्डिंग फटवा रहे हैं। शहर में आपको और किसी का होर्डिंग नहीं दिखता, तो इसका इससे साफ जाहिर होता है कि आप परेशान हैं, निराश हैं, और फिरोजाबाद की जनता इस बार आपको नकारेगी और चौधरी बशीर को निर्दलीय के तौर पर इस बार फिरोजाबाद की जनता सांसद बना करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में यहाँ का नेतृत्व करने के लिए मुझे आशीर्वाद देगी। और सभी वर्गों से कहूंगा, चाहे किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, चौधरी बशीर को किसी एक जात एक धर्म से बांध कर मत देखिए। चौधरी बशीर को अपना सेवक जानकर इस बार अपना मत देकर देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बनाइए। और राम गोपाल जी से मैं ये कहूंगा कि मेरे होर्डिंग फाड़ने से आप मुझे डरा नहीं सकते। चौधरी बशीर सर पे कफन बांध करके आया है, तुम्हारी धमकियों से तुम्हारे होर्डिंग फाड़ने से वापस लौट के इस बार जाने वाला नहीं है। जितनी भी ताकत लगा सकते हो आप लगा कर देख लेना, चौधरी बशीर यहाँ से चुनाव लड़के जाएगा और जीत कर जाएगा जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से। फाइट राम गोपाल से ही ये है, क्यों है, क्या मानते उसको, क्या राम गोपाल से ही आपकी फाइट होगी, क्योंकि बीजेपी का प्रेजेंट में भी दबदबा है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जो सिटिंग सांसद होता है, सिटिंग विधायक होता है, हमेशा सामने वाले की लड़ाई उस व्यक्ति से होती है जो सीट पर होता है, जो चेयर पर होता है। इस वक्त जो उनके बेटे चेयर पर हैं, मेरी लड़ाई केवल सिटिंग सांसद से है, एंटी इनकम्बेंसी से। उन्होंने किसी का कोई काम नहीं किया, इसलिए मेरी लड़ाई केवल और केवल राम गोपाल जी के बेटे से और किसी से नहीं है। क्या पारिवारिक लड़ाई में आपको उसका सपोर्ट मिल सकता है, शिवपाल और राम गोपाल की लड़ाई से आपको आपकी तरफ कितना वोट आ सकता है, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, पारिवारिक लड़ाई अलग है, जनता संतुष्ट नहीं है इनसे, जनता के इन्होंने कोई काम नहीं किए, तानाशाही रवैया अपनाया, किसी को पकड़वाया किसी को छुड़वाया है, मजदूरों का कोई काम नहीं किया, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, आम हमारी घर की जो महिलाएं हैं वो परेशान है। इन्होंने, ये राजघराने के लोग हैं, ये सरल व्यक्ति थोड़े ही हैं, हम जैसे लोग जो जमीन पे बैठने वाले लोग हैं, जनता इस बार उनको चुनेगी, राजघराने को इस बार नहीं चुनेगी। 20 सालों का एक छत्र राज है, इस बार फिरोजाबाद से ये छत्र राज बिल्कुल समाप्त कर देगी वोट के माध्यम से, आप लोग ये देख लेना, क्योंकि राम गोपाल जी का जो अहंकार है वो इनको इस बार लेकर डूबेगा।